थाना महाराजपुर पुलिस ने 65 किलो गांजा के प्रकरण की मुख्य अभियुक्ता श्वेता दीक्षित को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन ने नशा मुक्ति अभियान के प्रकरण में वांछित फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया है। थाना महाराजपुर में दिनांक 10 जून को ग्राम कुसमा के एक ही परिवार के दो घरों में अवैध गांजा अधिक मात्रा में संग्रह होने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक छतरपुर विक्रम सिंह के मार्गदर्शन व SDOP खजुराहो सलील शर्मा के नेतृत्व में गठित थाना महाराजपुर पुलिस टीम द्वारा ग्राम कुसमा जाकर दबिश देकर एक ही परिवार के दोनों घरों से कुल गांजा 4 बोरी में 65 टैपिंग से बंद पैकेट प्रति पैकेट 1-1 किलोग्राम कुल मात्रा 65 किलोग्राम की मात्रा करीब 10 लाख रुपए आंकी गई थी जब्त किया गया था। उक्त घटना की एक आरोपिया रजनी दीक्षित को पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर जेल दाखिल किया था। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन द्वारा प्रकरण की समीक्षा निरंतर जारी रखी गई थी एवं संबंधित फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। ग्राम कुसमा के राजा भैया दीक्षित वर्तमान आरोपिया के परिवार का मुखिया के घर पर वर्ष 2018 में छापा मार कार्रवाई कर करीब 35 किलोग्राम गांजा एवं 3-4 पहिया वाहन जब्त किया गया था एवं राजा भैया व उसके पुत्र राम मिलन दीक्षित के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। वर्ष 2020 में राम नरेश दीक्षित पिता राजा भैया के विरुद्ध थाना सोहागपुर जिला शहडोल में अवैध गांजा का मुकदमा पंजीबद्ध हुआ था एवं इसके बाद उसी परिवार की श्वेता दीक्षित एवं रजनी दीक्षित के कब्जे से 65 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था। उक्त प्रकरण की फरार मुख्य आरोपी श्वेता दीक्षित एवं अन्य संबंधित आरोपियों की तलाश व विवेचना कार्रवाई जारी थी। थाना महाराजपुर पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थ गांजा के प्रकरण की मुख्य फरार आरोपिया श्वेता दीक्षित को तलाश कर गिरफ्तार किया। अभियुक्ता श्वेता दीक्षित को न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया जा रहा है। शेष अन्य संबंधित आरोपियों की तलाश एवं विवेचना कार्रवाई जारी है। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक सुरभि शर्मा, थाना प्रभारी महाराजपुर, उप निरीक्षक अजय शाक्या, सहायक उप निरीक्षक BS ठाकुर, प्रधान आरक्षक बाबूराम, प्रधान आरक्षक किफायत उल्लाह बैग, आरक्षक जय कुमार, आरक्षक रितेश ओझा, आरक्षक सत्येंद्र सिंह, आरक्षक विवेक पाठक, आरक्षक हरदेव, आरक्षक राघवेंद्र, आरक्षक राघवेंद्र आर अभिषेक, आरक्षक ओम प्रकाश, महिला आरक्षक मेनका, महिला आरक्षक गीता, प्रधान आरक्षक चालक अजीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए हरिओम अग्रवाल की रिपोर्ट।